लानत हो ऐसी असेंबली पर जहां पर ट्रांसजेंडर जैसे गलीज कानून पास हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब आप हिस्सा हो, मौली साहब आप हिस्सा हो, ये जो कानून पास हुआ है जिस तरह नून लीग का स्पीकर इसको पढ़ के सुना रहा था, जमीन फड़ जाती और इनकी तहरीक जमीन में धसन हो जाती। ये कुरान और सुन्नत के मुकाबले पर है। और मैं कहना चाहता हूं जनरल मुशर्रफ का रोब कितना था, आज उसको ऐसी मौत लगी, अल्लाह माफ फरमाए, कि न मरता है न जीता है। किस वजह से? उसने कुरान की हद को तोड़कर फांसी का बिल कायम किया था। और आज हम ये कहते हैं अगर ये ट्रांसजेंडर, तुम किस सैलाब की बात करते हो? मुसलमानों इज्तिमाई तौबा करो, हमें तो डर लगता है कि जलजला आकर सब कुछ ना चला जाए। खुदा के कानून, जिस कानून की मुखालिफत पर कौम लूत को जमीन पर मिटा दिया गया था, आज वो कानून हमारी असेंबली ने बगैर पढ़े हुए पास किया है। या अल्लाह हम गवाह तुझे बनाते हैं, इन पर भी लानत भेजते हैं, इनके इनके हुक्मरानों पर भी लानत भेजते हैं, उस असेंबली पर भी लानत भेजते हैं, उस कानून पर भी लानत भेजते हैं कि जो कुरान और तेरी मर्जी के खिलाफ हो। क्योंकि लानत गाली नहीं है, एक एहतजाज है कि इन मलऊनों से हमारा कोई ताल्लुक हो। लिहाजा अगर ये नहीं तो फिर क्या जुमा पढ़ने के लिए आए हो, क्या करने के लिए आए हो? ट्रांसजेंडर का ये कानून जो फांसी के अड्डे खुलेंगे और पास किया, पढ़ा है किसी ने? खत्म नबूवत की बात आ जाए, दीन की बात आ जाए, कमेटियां शमेटियां।